वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ माई रत्नागिरी ट्रैवल सीरीज और आज हम चलेंगे काशेली। काशेली का ये जो देवघली बीच है ये इतना सुंदर बीच है, शायद ही आपने ऐसा कोई और बीच देखा होगा। टोटली अनएक्सप्लोर्ड वर्जिन बीच रत्नागिरी से करीब 23-24 किलोमीटर दूर, 44 मिनट्स लगते हैं यहाँ पहुँचने में। मैंने अपना रत्नागिरी ट्रैवल प्लान यही बीच के फोटोज़ देख के बनाया था। तो डे टू में हमने कवर किया था वायंगनी बीच और गणेश घुले बीच, जिसका वीडियो मैंने पहले पोस्ट किया है और उसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। गणेश घुले बीच से ये जो काशेली का रास्ता है आप देख सकते हो, इतना सुंदर रास्ता है ना, इतना पिक्चरस्क। मतलब विदेश में हम ऐसी जगहें जाते हैं और अप्रिशिएट करते हैं, बट ट्रस्ट मी हमारे देश में भी इतनी ही सुंदर जगहें हैं। सो प्लीज़ एक्सप्लोर दिस व्हेन यू आर इन द कोंकण रीजन। हेलो एवरीवन, वी हैव रीच्ड देवघली बीच व्हिच इज लोकेटेड एट काशेली एंड दैट इज द व्यू ऑफ द टेबल पॉइंट। मेसमराइजिंग, ये इतनी ब्यूटीफुल जगह है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। सो द प्लान इज़ कि सनसेट हम यहीं पे देखेंगे और वहाँ टेबल पॉइंट तक जाने की कोशिश करेंगे। वेदाक्षी है तो थोड़ा देख के चलेंगे कि जा सकता है कि नहीं, अदरवाइज यहाँ से भी व्यू सुपर्ब। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल डेस्टिनेशंस आई हैव सीन इन कोंकण। देवघली बीच सुपर्ब। सो टेबल पॉइंट जाने के लिए पहले ये कच्चा रास्ता आता है, फिर वहाँ से सीढ़ियाँ जाती है टेबल पॉइंट तक, फिर आगे आप नीचे जाना चाहो तो वहाँ से फर्दर सीढ़ियाँ जाती है बीच तक। तो अभी हम जा रहे हैं टेबल पॉइंट की तरफ। तो टेबल पॉइंट का रास्ता यहाँ से जाता है, अगर आप देख रहे हो यहाँ से जाता है ये पूरा टेबल पॉइंट का रास्ता, ठीक है। एंड वो रहा टेबल पॉइंट, अमेजिंग व्यू, ट्रस्ट मी यहाँ तो आना, मतलब इट्स वर्थ इट, इट्स वन ऑफ द बेस्ट बीचेस दैट आई हैव सीन। तो ये रास्ता यहाँ से जाता है टू दैट टेबल पॉइंट और वहाँ पे एक केव भी दिख रहा है और नीचे बीच भी है जो कि अभी दिख नहीं रहा है प्रॉपरली बिकॉज हाई टाइड है। तो हम पहुंच गए टेबल पॉइंट, आपको व्यू। तो वो रहा नीचे देवघली का बीच। बीच अभी ऑलमोस्ट कवर्ड है ड्यू टू हाई टाइड, वरना ये बीच बहुत सुंदर दिखता है। हम नीचे नहीं गए। ये जो गुफा है उसके साथ जुड़ी हुई है एक प्राचीन कथा। एक नाविक गुजरात के वीरावल बंदरगाह से यात्रा शुरू कर रहे थे, तब वहाँ के लोकल मंदिर के पुजारी ने विदेशी आक्रांताओं से बचाने के लिए सूर्य देव की मूर्ति उनको सौंप दी। नाव जब काशेली तक पहुंचा तब वायु का प्रवाह के रुकने के कारण नाव आगे नहीं जा पा रही थी। तब उनको लगा कि भगवान का शायद संकेत है कि उनको इसके आगे जाना ही नहीं है, तो उन्होंने सूर्य देव की मूर्ति इसी गुफा में छुपा दी। काशेली गांव में कनका नाम की एक औरत को इस बारे में सपना आया और उन्होंने गांव वालों की मदद से सूर्य देव की मूर्ति को इस गुफा से निकाला और एक मंदिर का निर्माण किया और भगवान की स्थापना कर दी। वही मंदिर आज कनकादित्य टेम्पल के नाम से जाना जाता है और महाराष्ट्र का एक लौता सूर्य देव का टेम्पल है। काशेली के इस देवघली बीच में हमने सनसेट बहुत एंजॉय किया और इस अद्भुत सुंदर जगह से अनगिनत यादें इकट्ठे कर लिए।
हम यहाँ बारिश के टाइम पे आए थे तो इसलिए हमें नीचे बीच तक जाने को नहीं मिला, बट फायदा ये हुआ कि लोग बिल्कुल नहीं थे तो हमें प्राइवेट बीच जैसा लग रहा था। एंड यस, प्लीज डू कैरी योर ओन फूड एंड वाटर। ये सुंदर बीच अभी भी अनटच्ड बाय टूरिज्म है, सो यहाँ पे आपको शैक्स वगैरह नहीं मिलेंगे। आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ, बट प्लीज़ डू स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोज़ ऑफ दिस रत्नागिरी ट्रैवल सीरीज, जहाँ पे मैं कवर करूँगी अपना डे 3 आइटिनरी और फूड एंड होटल रिलेटेड एक्सपीरियंसेस। इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वन, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वन, स्टे ब्लेस्ड।